खा रहा हूँ मम्मी अब मैं। कितना मस्त मम्मी। खट्टा, मीठा, हल्का सा तीखा, हर स्वाद आ रहा है यार। क्या बना रही हो मम्मी? हाँ, हम आज पापड़ी चाट बनाएंगे। पापड़ी चाट? हाँ बिल्कुल, वो स्पेशल चाट है। ऐसे तो चाट बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन ये बहुत स्पेशल, बहुत चटपटा होता है। ठीक है। हाँ, इसके लिए सामग्री है, ये 250 ग्राम ये मैदा है। मैदा? हाँ। ये अजवाइन है आधा चम्मच, 1/4 करायल है, आधा चम्मच ये नमक, नमक है, और थोड़ा ये तेल रख लिए, इसमें तेल थोड़ी सा, एक चम्मच तेल डलेगा। ठीक है। हाँ, इसके लिए खट्टी मीठी चटपटी चटनी तो चाहिए ही, जब चाट तो चटनी भी। तो इसके लिए हम देखिए, ये करीब 25 ग्राम ये अमचूर पाउडर है, ये घर का है। आधा चम्मच ये काला नमक लिए, आधा चम्मच ये गरम मसाला है। देखिए यहाँ सौंठ पड़ता है, लेकिन मेरे पास अभी सौंठ नहीं है, तो हम अदरक को घिस लिए हैं, और लॉकडाउन के कारण हर सामान मिल नहीं रहा है। ये यहाँ ये जीरा है, अगर आपको सौंठ पसंद है तो जीरा सौंठ कुछ भी डाल सकते हैं उसमें। अच्छा। हाँ, ये कड़ी पत्ता है, मीठी नींबू। हाँ, ये 25 ग्राम ये पाउडर के साथ, अमचूर पाउडर से ये करीब 50 ग्राम गुड़ है। हाँ, ये तो गुड़ है ना। हाँ, 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा होगा, एक मतलब भेली है इसके। हाँ, लिए एक चम्मच हम गजक रखे हैं, आप उसके जगह पर खजूर, काजू कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये तो अपनी सामग्री हो गई। हाँ, तो तैयारी करें इसकी। हाँ, तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले हम इसको मैदे को गूंथेंगे। इसके लिए हम इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे। देखिए ज्यादा तेल नहीं डालना है, क्योंकि हमें भूसा नहीं बनाना है। हल्का करक बनाना है, और इसमें आप घी मत डालिए, क्योंकि घी से बहुत ज्यादा खास्ता हो जाता है, जो कि टूट जाएगा। अच्छा। हमें एक चम्मच के इसमें डालना है तेल। ठीक है। घी नहीं डालना है, क्योंकि खास्ता कड़कपन कम हो जाता है घी से। अब इसमें जो हम नमक रखे हैं, हाँ, ये भी हम डाल देंगे। नमक चला गया अंदर। हाँ, अब इसको हम अच्छे से मोइन करेंगे, अच्छे से घिसेंगे, ऐसे मिला लेंगे। हाँ, और क्या डालेंगे मम्मी? अभी फिलहाल कुछ नहीं डालेगा, जब इसको हम खूब मिला लेंगे, ऐसे गांठ बनने लगेगा। हाँ, तब ये अजवाइन करायल जो रखा है इसको मिलाएंगे बिना पानी। अब देखिए ये बंधने लगा है, इसे मोइन मिल गया है अच्छे से, तेल मैदा में मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ये जो करायल अजवाइन रखे हैं, हाँ, डाल इसको देंगे। मिला देंगे, नमक तो मिला ही चुके हैं। हाँ, अब इसको हम मिला देंगे, करायल अजवाइन डाल दिया। हाँ, पानी, हाँ, है ना? मिला दी। हाँ, अब इसको क्या करेंगे हम अच्छे से मिला के, अब इसको हम कम पानी डाल के इसको गूंथेंगे, हम बहुत थोड़ी पानी डाल के। टाइट बनाना है, टाइट बिल्कुल कड़क करना है, टाइट डो बनाना है। टाइट डो बनाना है। ठीक है, बना के दिखा देना आप कैसा बन रहा है। देखिए ये टाइट डो तैयार है, काफी टाइट है ये, एकदम टाइट बना, टाइट है। पूरी जो आटा सानते हैं उससे भी टाइट होना चाहिए। अब इसको हम आधा घंटा के लिए ढक के छोड़ देंगे। आधा घंटा? हाँ, आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। ये अपना आटा सेट हो रहा है, तब तक हम चटनी बना ले। चटनी की सामग्री ये है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक स्टील का बर्तन लेंगे, स्टील का ही बर्तन लेंगे। अच्छा। हाँ, और इसमें देखिए वो एक चौथाई हम ये अमचूर पाउडर लिए हैं, एक कप चाय पीने वाला उससे, है ना? हाँ, इसको हम इसमें डाल देंगे। ठीक है। हाँ, और फिर इसी से हम 2 कप पानी, इसी के माप, हाँ, इसी के माप से हम करीब 2 कप पानी मिलाएंगे। एक कप हो गया, एक कप हो गया। अभी इतना हम डाल रहे हैं, दो कप करीब हो गया। अब हम इसको आग पर चढ़ाएंगे, क्योंकि ये हम खटाई घोल के पानी में ये चढ़ा दिए हम चूल्हे पर, और हम एक खोला नाने तक इसका इंतजार करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये खोल आ गया है इसमें, अब हम जो गुड़ रखे हैं उसको डाल देंगे इसमें। गुड़ चला गया, और इसको हम मिलाएंगे घुलने तक। हाँ, घुलने तक, किसी पीतल के सामान से नहीं, छोलनी से, चम्मच से नहीं मिलाना है इसे, स्टील फाइबर इसी को यूज करना है। देखिए गुड़ और अमचूर पाउडर घुल चुका है। हाँ, हाँ। अब इस सारे सामान हम इसमें डाल देंगे, पूरे अपने जो मसाले थे। हाँ, जितने मसाले थे डाल देंगे, प्लेट वाले पूरे मसाले डाल दिए हैं, और इसको फिर हम चला देंगे। फिर इसको फ्लेवर के लिए हम धीमे धीमे आग पर थोड़ी देर तक पकने देंगे। अब देखिए 2 मिनट तक हम खोल आए हैं, मसाले ही खोल गए हैं। हाँ, हाँ। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो गजक रखे हैं ये डाल देंगे गजक के अंदर। हाँ हाँ, इसमें आप काजू भी डाल सकते हैं, खजूर भी डाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे पास अभी ये था तो हम यही डाल दिए। हाँ।
और ये देखिए हम ये आधा चम्मच कॉर्न स्टार्च लेके करीब एक चम्मच पानी में इसको घोल लिए हैं कॉर्न स्टार्च को। हाँ, बस हम लास्ट में इसको ये डालेंगे ताकि इसका थिकनेस बढ़ जाए। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। हाँ, इसको चलाते रहना है कि इसमें गिठली ना पड़े। ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, ये छिलकू बिल्कुल शहद टाइप हो जाएगा। ये देखिए ये चटनी तैयार है लगभग। गाढ़ी हो गई। हाँ, गाढ़ी होगी। अब ठंडा होने और होगा। अब हम गैस बंद कर देंगे। ये आधा घंटा हो गया है। ये आटा भी सेक हो चुका है। अब इस आटे को हम थोड़ी सा और मिला लेंगे। थोड़ी मिला लिए। अब हम अगला इसका काम है इसका लोई बनाना। हम बराबर बराबर इसके ये ले ऐसे करके इसकी लोई बना लेंगे क्योंकि हमको इसका पापड़ी बेलना है। तो देखिए इतना बड़ा लोई लें क्योंकि बहुत पतला भी नहीं करना है और मोटा भी नहीं करना है। तो इतना बड़ा लोई हमको लेना है। इतना बड़ा लोई लेना है। ऐसे हम बराबर बराबर करके पूरे लोई को काट लेंगे। ठीक है, कितना बड़ा एक बार दिखा दूंगी। हाँ, बस इतना बड़ा। ठीक है, ये सब का हम बराबर बराबर पेड़ा बना कर रख लिए हैं। ये करीब 14 पेड़े हुए हैं। आप अपने अनुसार छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, अब हम सभी को बेलेंगे। थोड़ी कड़ा होता है तो थोड़ी सा इसमें इससे दबाव डाल के बेलना पड़ता है। इसको हम बेलेंगे, बड़ा करेंगे, थोड़ी ज़्यादा छोटा नहीं, पूरी से बड़ा करेंगे हम इसको। पूरी से बस बड़ा करेंगे ना मम्मी। हाँ हाँ, ये पापड़ी बेल चुका है। देखिए बहुत पतला भी नहीं है और मोटा भी नहीं है। हम इसी साइज की पापड़ी बनाएंगे। ऐसे करके हम एक एक करके खाली में रखते जाएंगे और हम पूरी पापड़ी बेल लेंगे। इसी तरह सारी पापड़ी बेल, सारी पापड़ी बेल लेंगे हम। पूरा हम लोई को बेल लिए हैं। हाँ, ये हल्के हल्के मैदे की सूखे मैदे की सहायता से इसको हम बेल लिए हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए पंखा में डालेंगे सूखने के लिए, जो थोड़ा ये कड़क हो जाए, नहीं तो सॉफ्ट होगा। इसको हम 10 मिनट के लिए पंखा में रखते हैं। ये अब हम एक एक करके डाल देंगे पंखे में। बस 10 मिनट के लिए हम पंखा में छोड़ देंगे। ये 10 मिनट हो चुका था, ये सूख गया है लगभग। हाँ, 10% सूखा है। इसको कड़क होने के लिए सुखाना ज़रूरी होता है। ठीक है। हाँ, अब इधर हम तेल, ये अपना ये पापड़ी डूबने लायक इतना तेल ले लिए हैं। करीब 200 ग्राम तेल होगा। डूबने लायक तेल अपने कढ़ाई में ले लीजिए, है ना? इसको चढ़ा दिए हैं। गर्म होता रहे, बहुत तेज आंच पर तलना नहीं है इसको, लेकिन अभी गर्म होता रहे। ठीक है। हाँ, अब तब तक हम आप लोग से एक बात बोल दें कि वीडियो जरूर देखिएगा मेरे भाई बहनों, मेरे युवा बच्चे, और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। तेल, ये तेल तलने लायक गर्म हो चुका है। इसे बहुत गर्म नहीं करना है हमको, लो मीडियम आँच पर। देखिए हमको इसको तलना है। चेक कर लिया। हाँ, अब हम इसको धीमे धीमे आँच पर तलेंगे, बहुत तेज आँच पर नहीं तलना इसको। बिल्कुल धीमी आँच पर तलना है ताकि ये कड़क होगा। अच्छा। हाँ ठीक है, धीमी धीमी आँच, धीमी आँच पर तलेगा ये। बिल्कुल 2 मिनट लगता है। 2 मिनट भी कहाँ, मतलब 10 सेकंड में निकल जाता है, एक साइड हो जाता है। हाँ, कड़क करना है हमको इसको। हाँ देखिए ये हो गया है, ये बिल्कुल कड़क हुआ है। अब ऐसे कर करके हम पूरा पापड़ी बना लेंगे, तल लेंगे। क्रिस्पी हो गया मम्मी। हाँ, क्रिस्पी हो गया। इसी तरीके से सब बना लेंगे। हाँ, है ना, यहाँ दिखा कि इसी तरह हम सब पापड़ी बना लेंगे। ये पापड़ी बन के तैयार है और ठंडा हो चुका है। जब तक ये ठंडा हो रहा था तब तक ये हम इसकी तैयारी कर लिए हैं। धनिया पत्ती है, दही है, प्याज है, जो हमने चटनी बनाई थी वो है, ये पुदीने की चटनी है, सेव है, यहाँ देखिए जीरा पाउडर है, काला नमक है, ये टेस्टी में ये चाट मसाला है, ये मिर्ची है अपना, मिर्ची पाउडर है। हाँ, अब हम इसको पापड़ी चाट तैयार करेंगे। हाँ। क्योंकि मेरा बेटा चखने के लिए बिल्कुल तैयार है। मम्मी इसमें से अगर किसी के पास कुछ नहीं, कोई चीज़ अगर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सब चलता है। आपके पास जो चटनी है, जो पसंद है वो डालिएगा। ज़रूरी नहीं है कि पुदीने की चटनी हो, धनिया की चटनी हो सकती है। ये चटपटी चटनी रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो ये सब आगे पीछे हो सकता है। अब हम इसको बनाते हैं चटपटी चाट। देखिए कितना मस्त लगता है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम अपने युवा बच्चों से कहेंगे कि आप लोग बनाइए क्योंकि बहुत आसान है, ये आप लोग भी बना सकते हैं और अपनी मम्मी पापा को बनाकर खिलाएं और खुद भी खाएं। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए ये हमने डाला, फिर हम थोड़ी सा ये पुदीना की चटनी डालेंगे,
फिर ये सब हम थोड़ी सी जीरा पाउडर डालेंगे, ये काला नमक डालेंगे, ये चाट मसाला डालेंगे, ये हमें प्याज डालना है थोड़ी थोड़ी, हाँ थोड़ी थोड़ी प्याज डालेंगे, आप अपने पसंद के अनुसार जितना लगे कि हाँ हमें इतना अच्छा लगता है, ये सब हम डालेंगे। फिर ये थोड़ी सा हम सेव डालेंगे, सेव डालें हम, उसके बाद से फिर थोड़ी सी ये चटनी हम ऊपर से भी डाल देंगे, मीठी चटनी। अब देखिए मेरा बेटा तो बिल्कुल खाने को, हाँ मिर्ची पाउडर अभी बाकी है, ये देखिए मम्मी फटाक से बना के अब दे, हाँ हाँ देखो बहुत बहुत तेज स्वाद आने लग गया मेरे को, कि तुमको एकदम जल्दी मची है, चलो तुम खाओ और टेस्ट करके बताओ क्या अच्छा बना क्या। ये बना कर खाने का रखने का नहीं है बेटा, ठीक है जल्दी से चख के बताओ। खाऊं मम्मी? हाँ बिल्कुल खाओ, चख लूं अब? बिल्कुल चखूं, मैं पूरा खा जाऊंगा क्योंकि मेरे बहुत भूख लगी है। चलो तोड़ते हैं इसको, देखो क्रंची देखोगी, ये देखो बहुत क्रंची हुआ। देखो आजकल स्ट्रीट फूड तो मिल नहीं है, नहीं रहा है लॉकडाउन के कारण, खा रहा हूँ मम्मी अब मैं। मम्मी खट्टा मीठा हल्का सा तीखा हर स्वाद आ रहा है यार, क्या मजेदार चटनी, क्या मस्त लग रही मम्मी। बहुत सारे बहुत दिनों बाद भाई, बहुत दिनों बाद, बाहर जाना तो बंद है, यही बनाओ और यही मचाओ मैं तो बोलूँगा। देखो चाट तो बहुत प्रकार के बनते हैं लेकिन ये बिल्कुल स्पेशल चाट है, क्या लग रहा है खाने, मजा आ गया मम्मी, मजा आ गया, एक नंबर, जल्दी जल्दी दूसरे भी बना दो मेरे लिए।